ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच, एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाऊँगा। आज यानी जो मैं चर्चा कर रहा था कि सूर्य भगवान सूर्य देव पहली राशि से यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जब पहले भाव से लेकर बारहवें भाव में आएंगे तो कहाँ कहाँ कैसा फल देंगे, अच्छा फल देंगे, धन देंगे, नौकरी देंगे, सुख देंगे, क्या देंगे या खराब फल देंगे, इस सब की चर्चा में करते हुए अब तक कन्या राशि तक चर्चा कर चुका था। अब मेरी चर्चा का विषय है तुला राशि, तो तुला राशि पर मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। तो देखिए चलते हैं। अब तुला राशि में सूर्य अगर पहले भाव में होंगे तो पहले भाव में सूर्य यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे। सूर्य की स्थिति नीच की है तो नीच की सूर्य स्थिति होने से यहाँ कमज़ोर हो गए। कमज़ोर हो गए सूर्य तो अच्छा फल नहीं देंगे, जातक के व्यक्तित्व को अच्छा नहीं बनाएंगे, व्यक्तित्व संबंधी समस्या खड़ी करेंगे, शरीर अस्वस्थ रहेगा, बीमार कमजोर रहेगा, आलस रहेगा। जातक की प्रगति बहुत प्रगति तो अच्छी होगी, स्ट्रांग और बोल्ड होगी, लेकिन शरीर उसका रोगग्रस्त रहेगा। जातक जरा ऐसी बात पर क्रोध करने लगेगा, तुनक मिजाज, शॉर्ट टेम्पर, जरा सी बात पर गुस्सा हो जाएगा। जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं बीतेगा क्योंकि उसकी पत्नी भी तुनक मिजाज होगी, शॉर्ट टेम्पर्ड, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड, दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे तो फिर वैवाहिक जीवन में तो बाधाएं आएंगी आएंगी। जरा जैसी बात पर बहस होगी और मतभेद होंगे, गर्मा गर्मी होगी। पार्टनर्स तथा डेली बेजर्स कोई अच्छा नहीं है, उनसे भी अच्छा सहयोग नहीं है। तो जातक की शादी में यानी स्थायित्व तो नहीं आ पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, डामाडोल, झगड़े, आपसी मानसिक तनाव। और जातक की शादी भी थोड़ी विलंब से होगी। तो पहले भाव में तुला राशि में सूर्य ने अच्छा फल नहीं दिया बिल्कुल भी, दूसरे भाव में भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। ये धन का भाव है, यहाँ भी अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति अस्थिर कमजोर डामाडोल रहेगी, स्थायित्व तो नहीं आ पाएगा आर्थिक स्थिति में, स्थायित्व नहीं आएगा, धन की समस्या रहेगी। दूसरे भाव में धन की समस्या रहेगी तो परिवार के लोग कहाँ सहयोग देंगे, परिवार के लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। जातक को परिवार से दूर रहकर अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में काम पर जाना पड़ सकता है, बहुत दूर यानी विदेश तक जा सकता है, क्योंकि परिवार से दूर रहेगा, परिवार से अच्छा सहयोग रहेगा ही नहीं। तो जातक का अब ये द्वितीय भाव है तो वाणी भी थोड़ी सी उसकी कर्कश हो जाएगी, वाणी कठोर उग्र वाणी से ठीक नहीं रहेगा। तो जातक की उन्नति के पथ में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक बाधाएं अष्टम भाव से जो बाधाएं और रोड़े आएंगे उनको जातक दूर नहीं कर सकेगा। बहुत कोशिश करेगा रोड़ों पर विजय पाने के लिए लेकिन नहीं काबू पाएगा, यानी परेशान रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी। रोड़े हट जाते, बाधाएं हट जाती तो कुछ जीवन में सफलता मिल जाती लेकिन वो नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही मानसिक रूप से अशांत रहेगा। तृतीय भाव के सूर्य यहाँ भी अच्छा फल देते, जातक के छोटे भाई बहनों के साथ मिस अंडरस्टैंडिंग रहेगी और कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। जातक को उसका भाई बहन तीसरे भाव से बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, व्यर्थ का परिश्रम करना पड़ेगा जिससे कोई भी लाभ नहीं होगा। छोटी छोटी हानिकारक यात्राएँ तो करेगा लेकिन उसमें धन की हानि होगी। जातक पिता से भी अच्छे संबंध नहीं होंगे, कोई नाइन्थ भाव दृष्टि जा रही है तो पिता से अच्छे संबंध नहीं, पिता का कोई सहयोग नहीं, पिता से कोई समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि जातक पिता का आदर सम्मान ही नहीं करेगा। जातक दुर्भाग्यशाली होगा, भाग्य वर्धन नहीं होगा, दुर्भाग्यशाली रहेगा। जातक अधार्मिक रहेगा, धार्मिक आयोजनों में बिल्कुल भाग ही नहीं लेगा। विदेशी यात्राएँ होंगी, विदेशी यात्राएँ तो होंगी और वो जिनसे उसे लाभ नहीं मिलेगा,
लंबी लंबी यात्राएं विदेश की कर सकता है, पर वो लाभ नहीं मिलेगा उससे। तो जातक का ये पिता से तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी, वो पिता का सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ा पिता का आशीर्वाद मिलता तो शायद ज़िंदगी अच्छी हो जाती। तो मैं तो कहता हूँ हमेशा पिता से आशीर्वाद लीजिए, पिता से बना के रखिए, क्योंकि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत काम होता है। खैर चलिए, चौथे भाव में अगर सूर्य आ गए तो यहाँ भी अच्छा परिणाम मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य समस्या देगी, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता का सहयोग नहीं मिलेगा। और चौथे भाव के भूमि भवन वाहन इत्यादि के क्रय विक्रय में कोई लाभ नहीं मिलेगा, विलम्ब होगा इसमें। सुख साधन की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जातक बड़ी कोशिश करेगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए, जो सुख कारक वस्तुएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो जातक को अपने सुखी जीवन में बहुत दिक्कतें आएंगी। व्यापार में भी स्थायित्व नहीं आ पाएगा, व्यापार नहीं आएगा, नौकरी में भी स्थायित्व नहीं आएगा, कोई तरक्की नहीं मिलेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं मिलेगा, उन्नति नहीं मिलेगी। उन्नति के अवसर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो जातक कार्य कर रहा है उसका जो प्रेजेंट कार्य चल रहा है उसमें भी रुकावटें आएंगी, उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। तो चौथे भाव में भी सूर्यदेव ने आपको अच्छा फल नहीं दिया। पंचम भाव में चलते हैं। अगर हम पंचम भाव के सूर्य देखिए, पंचम भाव में सूर्य हों तो पंचम भाव में क्या होगा, यहाँ भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। जातक की याददाश्त कमज़ोर रहेगी, जातक की इच्छा शक्ति कमज़ोर रहेगी, जातक को सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ कोई होगी नहीं उसके अंदर। जातक को संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान से सुख नहीं मिलेगा। पुत्र संतान का तो योग है, पर संतान से लाभ नहीं है, संतान को भी लाभ नहीं मिलेगा। संतान को पढ़ाई लिखाई परीक्षाओं में भी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। ग्यारहवें भाव में दृष्टि जा रही है तो ग्यारहवें भाव से लाभ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा। लाभ नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बड़े भाई बहन भी सहयोग नहीं करेंगे, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, तो उससे भी फिर न पैसा है न बड़े भाई बहनों से सहयोग है न संतान का सहयोग है, तो मानसिक फिर दशा तो खराब होनी है। इसे जातक को मानसिक असंतुष्टि मिलेगी और मानसिक परेशानी आएगी। अब हम अगले भाव में चलते हैं, यानी छठे भाव में सूर्य हों तो यहाँ भी सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहे, क्योंकि पता नहीं तुला राशि में तो सारे अच्छे खराब ही खराब आ रहे हैं, पर सारा अच्छा फल नहीं देंगे। रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। जातक बैंक से लोन लिया हुआ कुछ चुका ही नहीं पाएगा, किसी को पैसा उधार दिया है वापस ही नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें हार जाओगे, असफलता मिलेगी। शत्रु जो है तंग कर सकते हैं, डरा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो उसमें भी असफलता मिलेगी या बहुत विलम्ब से सफलता मिलेगी। विदेशी यात्रा हो सकती हैं, छठे भाव में से बारहवें भाव में दृष्टि जा रही है, विदेशी यात्रा हो सकती हैं, जो कि विदेश में तो लाभ हो सकता है, अपने देश में लाभ नहीं होगा। विदेश में जाओगे तो विदेश में व्यापार करोगे, विदेश में नौकरी करोगे तो वहाँ तो लाभ मिल सकता है, अदरवाइज अपने मुल्क में तो लाभ नहीं मिलेगा। तो विदेशी यात्राएं लाभकारी रहेंगी और विदेश में काम बनेगा। सातवें भाव में देखते हैं, अगर हम देखिए सातवें भाव में मेष लग्न है अब, तो मेष लग्न तो सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं, शनि नीच के होते हैं, सूर्य उच्च के होते हैं मेष लग्न में। तो मेष लग्न के कारण सूर्य की स्थिति अच्छी है, अच्छी होने के कारण जातक का विवाह अच्छी जगह होगा। विवाह अच्छा होगा तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा बीतेगा, विवाह के बाद जातक को धन लाभ होगा, जातक की तरक्की होगी। इसका मतलब विवाह से पैसा मिल सकता है, जातक जो है लाभ ही लाभ है विवाह के बाद तो, और सप्तम के लाभ भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हुए हैं, तो शादी से लाभ कराएंगे ही कराएंगे, व्यापार में भी लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। पत्नी लेकिन पत्नी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर तुनक मिजाज, जरा सी देर में एकदम आग बबूला गुस्सा होने वाली, सुंदर तो होगी पर जल्दी ही क्रोधित होने वाली होगी। जातक और मानसिक परेशानियों का कारण हमेशा पत्नी ही बनेगी, जरा सी बात पर कोई बात होगी वो फौरन गुस्सा हो जाएगी, होकर से कुछ कह देगी, तो जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा। पार्टनर्स तथा डेली बेजर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा,
यहाँ बैठे सूर्य जातक को व्यक्तित्व को अच्छा बना रहे हैं, क्यों व्यक्तित्व लग्न को भी देख रहे हैं। जातक सुंदर बलवान सुंदर शरीर आकर्षक शरीर होगा, पर जातक भी थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाला जल्दी जल्दी काम करने वाला होगा, जातक को भी जल्दी क्रोध आ जाएगा। वैसे इस वजह से तो कभी कभी परिवार में हालत अच्छी नहीं रहेगी, बाकी तो सब ठीक रहेगा। आठवें भाव के सूर्य क्या करेंगे, यहाँ भी सूर्य अच्छा पल देंगे, क्यों आठवें भाव तो वैसे ही खराब भाव होता है। यहाँ जातक के जीवन में पथ पर जो आगे बढ़ने के लिए उन्नति रास्ते में जीवन में आगे चलेगा जातक, तो रास्ते में बड़े रोड़े मिलेंगे, बड़ी बाधाएं मिलेंगी। जातक को उन्नति प्राप्ति के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन बाधाओं को दूर नहीं कर पाएगा। बाधाओं को दूर नहीं कर पाएगा तो फिर नुकसान ही तो नुकसान होगा, लाभ कहाँ से मिलेगा। तो भाई भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, भाई बहनों से तीसरे भाव भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, और देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहेंगी। बहुत परिश्रम करेगा जातक लेकिन परिश्रम से लाभ नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी, डामाडोल रहेगी, तो जातक को परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जातक की वाणी भी उग्र हो जाएगी। हाँ, नवम अष्टम भाव से जो है द्वितीय भाव पर दृष्टि जा रही है, तो वाणी भी उग्र हो जाएगी, वाणी उग्र तीव्र कठोर, आर्थिक स्थिति डामाडोल। तो अब नाइन्थ हाउस पे चलते हैं भाई, तो नाइन्थ हाउस के सूर्य भी अच्छा फल नहीं देंगे, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, पिता का कोई लाभ नहीं मिलेगा, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो तरक्की भी नहीं मिलेगी। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा, अधार्मिक होगा, धार्मिक आयोजन में बिल्कुल भाग ही नहीं लेगा, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसको। जातक को यात्रा तो करनी पड़ सकती है लेकिन उनमें भी लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी यात्रा कर सकता है, विदेशी यात्रा कर सकता है, पर हानिकारक रहेंगी वो भी। छोटे भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलेगा, जातक छोटी छोटी यात्रा करेगा उसमें भी लाभ नहीं मिलेगा, परिश्रम बहुत करेगा क्योंकि नाइन्थ हाउस की दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस पे, परिश्रम तो बहुत करेगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। दसवें भाव में भी सूर्य जो है अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ पर तुला लग्न है, जातक का नौकरी में कोई तरक्की नहीं मिलेगी, स्थायी तो नहीं आएगा, व्यापार में तरक्की नहीं मिलेगी, व्यापार स्टेबल नहीं हो पाएगा, नौकरी में परेशान, जब स्थायी तो नहीं आएगा टेम्परेरी, कभी ये सर्विस कभी वो सर्विस कभी ये सर्विस कभी वो सर्विस, भागदा डोलेगा इधर उधर और कोई तरक्की नहीं मिलेगी। जो काम हाथ में है उसमें भी असफलताएँ असफलताएँ मिलेंगी, नया काम तो मिलना ही नहीं है। और दृष्टि जा रही है चौथे भाव में, तो चौथे भाव में माता से भी अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, माता से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता का सुख नहीं मिलेगा, और भूमि भवन वाहन इत्यादि को क्रय विक्रय में लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी। जातक पूरी कोशिश कर देगा अपने सुख साधन को खरीदने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी सुख सामग्रियों को नहीं प्राप्त कर पाएगा, इस कारण जातक को मानसिक अशांति मिलेगी, परेशान रहेगा, जातक को मानसिक असंतुष्टि मिलेगी। तो भाई अच्छा नहीं रहा, चौथे भाव से भी अच्छा नहीं रहा, दसवें भाव से अच्छा नहीं रहा, न काम में अच्छा और न सुख साधन में अच्छा। ग्यारहवें भाव में शायद देखिए ग्यारहवें भाव और आपका भाव है, यहाँ पर सूर्य खुद भी अपनी राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में है ग्यारहवें भाव में, लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में, तो फिर यहाँ से तो अच्छा सुख मिल सकता है। जातक सिंह राशि में बैठे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि भी जा रही है, तो पुत्र संतान का योग तो है ही है, संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान को तरक्की मिलेगी, और ग्यारहवें भाव से लाभ ही लाभ मिलेगा, पैसा आएगा, धन आएगा, बड़े भाई बहनों से सुख मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, तो अच्छा रहा, आर्थिक स्थिति अच्छी रही। तो ये तो पंचम भाव पर दृष्टि और ग्यारहवें भाव में बैठना धन कारक भी है और संतान कारक भी है, संतान को भी सुख है, मानसिक सुख भी मिलेगा, अचानक धन लाभ हो सकता है, बीमारियां दूर भाग जाएंगी, पंचम भाव से भी सुख ही सुख है, कोई प्रेम संबंध चल रहा था तो वह सफल हो जाएगा, तो अच्छा है। पंचम भाव और ग्यारहवें भाव की आपस में दृष्टि से जो सूर्य भगवान ग्यारहवें भाव में बैठ करके अच्छा फल दे रहे हैं।
बारहवें भाव में कभी कोई ग्रह अच्छा फल मुश्किल से देता है तो सूर्य यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे तो धन की हानि होगी, धन की हानि होगी, अचानक से धन की हानि हो सकती है। अचानक से मतलब कोई अचानक बीमारी आ गई तो अस्पताल जाना पड़ गया या नर्सिंग होम प्राइवेट में भर्ती होना पड़ेगा, वहाँ अचानक बहुत पैसा लग जाएगा। तो अचानक से समस्या आएगी, बीमारी आएगी, खर्चा आएगा और दिमाग की शांति भंग हो जाएगी, जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा, उस खर्चे को देख करके घबरा जाएगा क्या करूं। और बारहवें भाव से विदेशी यात्रा होगी, विदेशी खर्चा तो होगा। छठे भाव में दृष्टि जा रही है तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, कोर्ट कचहरी के केसों में सफलता नहीं मिलेगी, चोट चपेट आएगी दुर्घटना में तो चोट चपेट ज़्यादा गंभीर आ जाएगी, होशियार रहना पड़ेगा, बीमारियां नहीं छोड़ेंगी, बैंक का लोन चुक नहीं पाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो ये भाई रहा तुला राशि के लिए सूर्य देव का विभिन्न भावों में फल। अब मैं यहाँ विश्राम लूँगा, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके जाइए। नमस्कार।